जो ग्रुप ये बोलता है ना, ईसाई मिर्जा बोलता है कि अपने आप को सिर्फ मुस्लिम बोलो, ये इस तरह की बात करने वाले कई ग्रुप वाले हैं। हाँ, जैसे एक ग्रुप अली मिर्जा का खुद एक ग्रुप है, अपने आप को मुस्लिम कहता है। एक मसूद बीएससी वाली जो जमातुल मुस्लिमीन है, उसका एक अलग ग्रुप है, अलग आइडियोलॉजी है, वो भी अपने आप को सिर्फ कहते सिर्फ मुस्लिम बोलो। एक डॉक्टर जाकिर नायक का ग्रुप है, वो एक अलग ही दुनिया है, वो भी कहते हैं सिर्फ अपने आप को मुस्लिम बोलो। एक जो है जावेद अहमद गांधी साहब का ग्रुप है, वो कहते हैं सिर्फ अपने आप को अहले हदीस बोलो, उनकी अलग दुनिया है। एक असरार अहमद साहब है, उनकी अलग दुनिया है। हकीकत में ये जितने लोग ये दावत लेकर आते हैं ना कि अपने आप को सिर्फ मुस्लिम बोलो, वो आदमी अपने नाम से, अपनी पहचान से, अपनी फैन फॉलोइंग को लेकर अपना एक अलग ग्रुप लेके खड़ा कर देता है। यानी सारे फिरकों को मिटाने के चक्कर में, मिटा तो पाता नहीं है, खुद एक नया फिरका लाके खड़ा कर देता है। और ये गर्च ये सब अपने आप को कहते मुस्लिम। आप बताइए कि अली मिर्जा की एक आइडियोलॉजी है, जावेद अहमद गांधी की, दोनों बिल्कुल अलग है, दोनों अपने आप को मुस्लिम बोलते हैं। डॉक्टर जाकिर नायक की एक आइडियोलॉजी है, ये सब एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन अपने आप को सिर्फ मुस्लिम बोलते थे। क्या सब एक हो गए? हरगिज नहीं हो गए। अच्छा, ये लोग जब आपस में बैठते हैं तो ये जानने की कोशिश करते हैं, जब ये टकराते हैं ना अपने आपस में, तो ये पहचान करने की कोशिश करते हैं कि बंदा किस ग्रुप का है। तो कहते हैं हम मुस्लिम है, तो टटोलते मुस्लिम है। अली मिर्जा को सुनते हो क्या? है अली भाई को सुनते हो आप? तो जब वो दो तीन इशारे दे देगा, ये लेक्चर सुना आपने, तब वहां से समझ में आएगा हाँ हाँ ये अपनी ग्रुप का बंदा है। हाँ, कोई डॉक्टर जाकिर नायक वाला रहेगा तो पूछेगा कि क्या हो तुम? तो कहते नहीं मैं ओनली मुस्लिम। तो मुस्लिम, अच्छा डॉक्टर जाकिर नायक को सुनते हो आप, उनके आप ये अपने बयान सुना। तो जब दो तीन लेक्चर बताएगा कि हाँ मैंने सुना, समझ जाएगा कि हाँ यार उनको फॉलो करने वाला है, तो हाँ ये ग्रुप है, ये जाकिर नायक की ग्रुप का है। ऐसे जावेद अहमद गांधी साहब का ग्रुप है। अब अपने आप को मुस्लिम नहीं बोलेंगे, लेकिन टटोलेंगे, आप गांधी साहब को सुनते हैं, आपने उनके कोई लेक्चर देखे हैं, कैसे लगते हैं आपको? हाँ ठीक है, हाँ ये गांधी ग्रुप है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है इनका। तो ऐसा नहीं कि ये लोग पहचान नहीं करते, ये अपने आप को मुस्लिम बोलने वाले, ऐसे जमात मुस्लिम वाले हैं, वो भी पहचान करते हैं आपने बैठ क्या किया इमाम साहब से, क्या आपका। तो आप सोचे कि मुस्लिम के नाम से कितने सारे ग्रुप बन चुके हैं, और ये ग्रुप वाले भी एक दूसरे को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो इनका प्रोसेस बहुत लंबा है, बहुत सारे सवाल, दुनिया भर की खुराफात और दुनिया भर के इधर उधर से उठ पटाख करके तब जाके पहचान पाते यार ये बंदा किस ग्रुप का है। अपने आप को तो मुस्लिम बोल दिया है, तो उसके बाद में जब एक एक मुलाकात हो जाती है, बाद में पता चल जाता है कि हाँ ये उस ग्रुप का, हमारे ग्रुप का है। जैसे कोई अली मिर्जा का सुनने वाला है, पता चला कि सामने वाला भी हमारे ग्रुप का है, तब तो दोनों में जमेगा ठीक ठाक, यहाँ अपना ग्रुप है। लेकिन पता चला यार ये तो गांधी साहब के ग्रुप का है, तो अभी देखो ग्रुप बंदी हो जाएगी वहां पे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ग्रुप अलग अलग बन चुके हैं तो नाम टाइटल एक कर देने से कुछ नहीं होने वाला है। अली मिर्जा सिर्फ मुस्लिम की बात कर रहा है, मसूद वैसी जो जमात मुस्लिम जिसने बनाया उसने, वो सिर्फ मुस्लिम की बात कर रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक सिर्फ मुस्लिम की बात कर रहे हैं, डॉक्टर इसरा मुस्लिम की बात कर रहे हैं, जावेद अहमद गांधी मुस्लिम की बात कर रहे हैं। ये सब अलग अलग ग्रुप है, सबकी अपनी फैन फॉलोइंग है, ये सब के सब सब लोगों ने बाकायदा एक फिरका बना के रखा है। ये सब अलग अलग फिरके हैं, सब एक नहीं है, सबकी सोच अलग, सबकी फिक्र अलग है, और ना एक चीज की तरफ ये दावत देते हैं। ये सब अपनी अपनी फिक्र की दावत देते हैं। अली मिर्जा कुरान और हदीस के नाम से उस फिक्र को पेश कर रहा है जिसको इसने गढ़ा है, जिसको ये बना रहा है। और इसी तरह से जावेद अहमद गांधी साहब, वो भी कुरान हदीस के नाम पे, बल्कि वो हदीस का नाम तो बहुत कम लिखते, वो पेश करना चाहते जो उनके दिमाग ने गढ़ा है, उसको खुद बनाया उन्होंने। ऐसे डॉक्टर जाकिर नायक साहब वो सिर्फ कुरान हदीस का नाम लेंगे और वो बताना चाहेंगे जो उनके दिमाग ने उसको सोचा, जो उन्होंने खुद से समझा। तो ये सारे लोग अलग अलग क्या दावत पेश करें, किस तरफ बुला रहे हैं? कुरान की तरफ नहीं, हदीस की तरफ नहीं, अपने अपने ओपिनियन की तरफ बुला रहे हैं कि आओ हमने जो समझा उस तुम लो, हमने जो समझा उसको मानो। लेकिन टाइटल क्या? कुरान और हदीस, कुरान और हदीस का नाम लेकर ये सब के सब लोग अपने अफकार की तरफ बुला रहे हैं। लेकिन अहले हदीस कुरान और हदीस का नाम लेते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि हमारी मां, ये कहते हैं कि कुरान और हदीस समझना है, आजाद नहीं छोड़ते कि जाओ जैसे समझना समझ लो, नहीं, सहाबे किराम ने कैसे समझा था उस तरह समझो। तो अगर फिरके मिटाना है ना, तो ये आइडियोलॉजी होनी चाहिए आपकी कि कुरान हदीस और सहाबा का फहम। जब हम ये कहते हैं अहले हदीस, तो अहले हदीस का मतलब क्या? अच्छा कुछ जवान अहले हदीस वो समझते हैं कि अहले हदीस का मतलब सिर्फ कुरान हदीस, कुरान अहले हदीस के दो ही उसूल कुरान और हदीस, ऐसा नहीं है। अहले हदीस हदीस कुरान को भी हदीस कहते हैं, हदीस को भी हदीस कहते हैं, और सहाबा के जो आसार है उनको भी हदीस कहते हैं, मौकूफ हदीस कहते हैं। तो जब हम ये कहते हैं अहले हदीस, तो हम इसका मतलब क्या होता है? हम कुरान को मानने वाले, हम हदीस को मानने वाले, और हम सहाबा के फहम को, सहाबा के आसार को मानने वाले। ये अहलुल हदीस का मतलब है। अहलुल हदीस का मतलब ये हरगिज नहीं है कि सिर्फ कुरान, सिर्फ हदीस और फहम हमारी, नहीं नहीं, ये अहले हदीस का मतलब नहीं है। अहले हदीस का मतलब है कि कुरान, हदीस और सहाबा किराम का फहम।
यही वो नुक्ता है, यही वो चीज है जिस पर इत्तेफाक हो सकता है, इख्तलाफ को खत्म किया जा सकता है। बाकी अगर आदमी मुस्लिम का टाइटल ले ले, एक हाथ में कुरान ले ले, एक हाथ में हदीस ले ले और अपनी दिमाग की जो भी जहन में आता है बकता चला जाए, तो फिरका नहीं खत्म करेगा, बल्कि ऐसा हर आदमी अपने नाम पे एक नया फिरका खड़ा करेगा, ऐसा हर आदमी अपने नाम पे एक नया ग्रुप खड़ा करेगा कि जो कुरान और हदीस की बात करेगा और अपने दिमाग की बात करेगा, अपने समझ की बात करेगा, तो ऐसा हर आदमी अपनी एक फैन फॉलोइंग बनाएगा। और जितने लोगों ने भी यह नारा लगा है कि सिर्फ मुस्लिम, कुरान और हदीस, इन सब का एक ग्रुप बना हुआ है, इन सब का एक फिरका बना हुआ है, इन सब की एक जमात बनी हुई है, ये चाहे माने या ना माने लेकिन इनका ग्रुप है, इनकी जमात है, ये एक दूसरे से भिड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ इनके यहाँ वला बरा पाए जाते हैं, सब कुछ होता है इनके, बाकायदा इनका ग्रुप है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि जो ये कहा कि क्या मुसलमान काफी नहीं, मुसलमान नाम भाई अगर मजाहिर की बात होगी ना तो मुसलमान काफी है, आप मुसलमान से अपना तारुफ कराइए, हाँ जैसे ममालिक की बात होगी तो आप अपने मुल्क के नाम से अपना तारुफ कराएंगे, लेकिन अगर मजाहिर की बात ना हो बल्कि एक मजहब की जो अलग अलग ग्रुप बन चुके हैं उस हवाले से अगर आपसे आपकी शनाख्त मांगी जाए, आपकी पहचान मांगी जाए, तो आपका ताल्लुक जिस मसलक से वो आपको बताना पड़ेगा। आप भले कोई अली मिर्जा को मानने वाला भले कहे कि मैं सिर्फ मुस्लिम हूँ, लेकिन वो घुमा फिरा के सामने वाला पूछता, घुमा फिरा को बताता भी है कि मैं अली मिर्जा का फर्क, वो बता देता है, उसका एक तारुफ होता है, अंदाज करने का पता चल जाता है, वो बता देता है लाख रटे। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आए। आई प्लस टीवी ने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है आई प्लस टीवी इख्तलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जजाकल्लाहु खैर, वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।